सब कैसे हैं, वेलकम बैक टू बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और सब लोग यहाँ पर खाना खा के बैठे हुए, और बैठने के बाद हाँ मतलब दिखाती हूँ क्या क्या कैसे लोग इंजॉय कर रहे हैं खाना खाने के बाद, सोने का जो इंजॉय होता है। ये हमारे पतिदेव जो है वो फर्श की ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, और बेटी भी फर्श में बैठी हुई है। ये दुखी है क्योंकि इनको पार्क जाना है, इस वजह से बेड पर कोई नहीं है फिलहाल। और मैं भिंडी और ये शिमला मिर्च लेकर बैठी हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट्स बनाना था, तो मैंने शॉर्ट्स तो बना लिया है। अब इसका थोड़ी दुखी हो गई है, पापा सो रहे हैं, तो अभी थोड़ा चलेंगे, अभी टाइम हो जाए, बेटा ठंडा थोड़ा मौसम हो जाए तो उसके लिए चलेंगे, तो परेशान मत हो, ठीक है। तो ये है सिचुएशन हमारे घर की, और अभी के पापा उठ नहीं रहे हैं ताकि हमारे थोड़े से शॉर्ट बना सकें, क्योंकि आज कैमरा मैन ये नहीं अभी के पापा है। और आज अभी के पापा ने बहुत सारा सूट में साथ दिया है, क्योंकि अविष्का जो बहुत दिन करती कली, पापा आज आप छुट्टी पे हो, थोड़ा छुट्टी पे हो तो आप कर लो, और करने के बाद देखिए कैसे फैले पड़े हैं। यहाँ पर ये थक गए हैं सूट करते करते, है ना, और कह रहे हैं चाय की डिमांड हो रही है, चाय पीने से हो जाएगा क्यों? हाँ चाय से हो जाएगा, चलो थैंक गॉड। और ये देखिए मेरा इतना सारा सामान फैला हुआ है यहाँ, कहाँ है? आज अविष्का की छुट्टी कर दी हमने, है पापा ने आज रील बना दी, अविष्का की आज छुट्टी हो गई, चले कहीं बाहर? हाँ। चले। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ। अक्सर क्या होता है कि हमारे इसमें पैसे खर्च होते हैं, और ये है हेयर कट। मतलब मैं हेयर कट करूंगी अपनी बेटी का, घर पे ही करूंगी। इसके बाल जो है काफी लंबे हैं, ये देखिए इतने लंबे हैं। तो क्या होता है कि छोटे छोटे हेयर कट करने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, तो घर पे कैसे हेयर कट करें? क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आ जाते हैं कभी कभी कि आप तो थोड़ा बहुत कर लेती हैं, प्लीज़ इसका जो है स्ट्रेट कट कर दीजिए। तो स्ट्रेट कट तो हम घर पे कर ही सकते हैं, पर कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, और इस तरह से उसी तरीके से आप अपने बच्चों का हेयर कट कर सकते हैं। तो पहले बाल को मैं देखिए अच्छे से, मेरी बेटी के जो बाल की लेंथ है वो यहाँ से लेकर ये देखिए कमर तक है, और मैं इसको बाल को हमेशा थोड़ा सा गीला रखिए, और ये जो नीचे की साइड से ना ये बाल जो होते हैं ये हमेशा टू फेसेस हो जाते हैं, यानी इनके एक बाल में दो बाल हो जाते हैं। तो इस तरह से इनको थोड़ा थोड़ा कट करते रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, जो मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, तो अविष्का के बालों की ग्रोथ अच्छी है, तो अपने बालों की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी आपकी, और हेयर कट भी हो जाएंगे, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। मैं तो पहले सीधे ऐसे ही यहीं से ऐसे पे सिंपल सा कट कर दूंगी, ये एक्स्ट्रा बाल इस तरह से सीजर में आपको दीजिए। तो ये देखिए मैंने ये बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए हैं, और क्योंकि ये देखिए एक्चुअली इतना सा ही स्ट्रेट मैं, क्योंकि बाकी बाल इसके ठीक हैं, नीचे वाले बाल में ही टू फेसेस होते हैं, तो ये वाले बाल मैंने ठीक कर दिए। तो बस ऐसे ही धीमे धीमे मैं हेयर कट कर लेती हूँ, देखिए बाकी बालों का लुक जो है उसका जो है वो सही है, शेप सारा सही है, शेप जो है वो वी शेप में है, तो वी शेप ही बना हुआ है ना। तो फ्रेंड्स कभी भी मैं ना इतनी छोटी छोटी कटिंग के लिए बाहर नहीं जाती हूँ, ये छोटी छोटी कटिंग मैं घर पे ही करती हूँ। हाँ अपनी कटिंग करनी होती है तो वो दूसरे स्टाइल से करती हूँ, जो मैंने कई वीडियोस में डाला है, अगर आप लोग कहेंगे तो उसको भी डाल दूंगी कि मैं खुद सेल्फ कटिंग कैसे करती हूँ, वो भी मैं स्ट्रेट कट तो मैं खुद कर लेती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल बहुत ही ईजी तरीके से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए आ गए हैं, पर हाँ कटिंग के बाद जो है पार्लर वाली खुद जो है झाड़ू नहीं लगाती, उसके लिए एक मेड रखा हुआ है मैंने यहाँ पर। ये मेड अपने बाल खुद साफ करेगी, इससे बाल बस कटेंगे, ज्यादा नहीं बाल कटेंगे, इतने सारे हैं ना, देखा विष्का ज्यादा बाल नहीं कटे आपके, थोड़े से ही हैं। मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा था ज्यादा बाल काट दोगे आप। नहीं नहीं ज्यादा नहीं काटे, थोड़े से बस, टू फेसेस। कुल्फी वाले का भाई, कुल्फी का वेट हो रहा, कहाँ गया? अभी पीछे ही है, विष्का वेट कर रही है अपनी कुल्फी का, हम बैठे यहाँ पर, उनकी आए तो खाएं। कुल्फी दूध क्यों नहीं आती? हाँ चलेंगे,
कुल्फी अच्छी है, दूध ले अच्छा है। मिल गई है हमारी बेटी को आइसक्रीम। आइसक्रीम नहीं है ये, है कुल्फी। चूरी 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 ठीक है, दोनों साइड से कर। ये बहुत जल्दी चू जाती है क्योंकि दूध की बनी होती है, तो बहुत अच्छी लगती है। और आज संडे को तो पूरा अंकल जी का फटाफट सब कुछ ख़त्म। हम लोग ने बस एक रील बनाई है और आप रील देख सकते हैं। रील में मस्ती की है, अंकल जी ने पूरा मस्ती कराई है। पर हाँ, मुझे आइसक्रीम इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनके पास पूरी ख़त्म हो गई थी, सिर्फ एक बची थी लास्ट पीस जो अभिष्का के नसीब में थी। और फ्रेंड्स, आज बना रही मैं दाल मखनी। दाल मखनी में थोड़ी सी राजमा भी डाल दी है ताकि होटल जैसा टेस्ट आए। और प्याज भी काटी है, अभी पूरी तैयारी करने जा रही हूँ क्योंकि दाल मखनी संडे का टाइम है। आपको पता है कुछ ना कुछ स्पेशल बनेगा ही बनेगा। गई अपना खाना निकालने के लिए क्योंकि अविष्का को भी चावल हो रहा है और अविष्का को खाना खाना है। मुझे सबसे पहले भूख लग जाती है और सबसे पहले मैं ही भूख लगाती हूँ। हाँ, आप भगवान हो, वैसे भी भगवान जी हो, भगवान जी को भूख लगाना चाहिए। चावल हो रहा है, थोड़ी देर में खुल जाएगा। अविष्का होती है तो पता चलता है कि आज छुट्टी है। क्या हुआ, लग गए? थोड़ा थोड़ा करो बेटा, जाके फुर्सत मिली है। और आज जो है, जैसे मैंने कहा ना, अविष्का की छुट्टी होती है तो पता चलता है कि संडे है या सैटरडे है, क्योंकि अविष्का की छुट्टी उस समय होती है, वरना हमारा क्या संडे और क्या मंडे। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि संडे मेरी लाइफ में कभी आए ही ना। संडे जो है वो काम ज़्यादा होता है, लेट से उठते हैं लोग तो लेट से सर्विस देनी पड़ती है, फिर वो लेट लेट करके होता है। तो हमें जो हम जो चाहे कि थोड़ा सा बैठ ले, रेस्ट कर ले, वो टाइम हमारे पास होता ही नहीं। तो ये जो संडे है मेरे लिए बहुत, मुझे तो नहीं पसंद आता कि संडे क्या है। इससे अच्छा तो हमारा मंडे टू फ्राइडे है, ना कोई छुट्टी होती है, सब रूटीन मेंटेन रहता है, करना हमें 24 घंटे वैसे भी वही काम है। तो चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हमारे लिए 7 डेज बराबर है। तो कहते हैं ना, हाउसवाइफ का कोई संडे नहीं होता, कोई मंडे नहीं होता। तो ये बात सच है कि कोई संडे मंडे नहीं। तो लेडीज़, अगर मेरी बात से सहमत हो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको संडे मंडे पता चलता है कि नहीं पता चलता है। और बस इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि रियल में बहुत थक गई हूँ और इसके बाद भी बहुत सारा अभी किचन का काम बचा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं। ढेर सारा प्यार दीजिए व्लॉग को, लाइक करिए वीडियोस को, नए जो भी आए व्यूअर्स वो सब्सक्राइब करें चैनल को। सभी को बाय बाय, राधे राधे, नमस्कार।